सीरीज के 10वें भाग में सवाल पहला वेक्टर का है जो कि एक नंबर का है। कोण पूछा है, वेक्टर में कोण निकालने का सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वेक्टर ए और बी के परिमाण दिए हैं 1 और 2, यानी आपको क्या दिया है, मॉड ऑफ ए दिया है 1 और मॉड ऑफ बी दिया है 2, और साथ में क्या दिया है, इन दोनों का डॉट गुणा भी आपको दिया है कितना, 1। पूछा है इनके बीच कोण ज्ञात करिए, तो कॉस थीटा फार्मूला होता है कोण ज्ञात करने का। और सबसे अच्छी और आसान बात यह है कि इसके फार्मूले में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो डायरेक्ट इस सवाल में दिए हुए हैं। ये है सूत्र, ए डॉट बी चाहिए होता है जो कि आपको तुरंत दे रखा है, ऊपर कितना 1, नीचे मॉड ऑफ ए कितना दे रखा है 1, मॉड ऑफ बी कितना रखा है 2, तो मिला के हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 1/2, तो थीटा हो जाएगा 60 डिग्री, लिख देंगे रेडियन में π/3, तो आंसर हो गया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच कोण कितना है, π/3 अर्थात 60 डिग्री का है। आसान सवाल था एक नंबर में। देखते हैं इसका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 दो अंक का है और ये भी वेक्टर का है। सबसे खास बात दिया है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है, तो चूंकि वेक्टर ए क्या है, मात्रक सदिश है, तो इसकी परिभाषा पे आपको जाना होगा। जब कोई सदिश मात्रक होता है तो उस वेक्टर का जो मॉड होता है वो 1 हो जाता है। तो वेक्टर ए सदिश मात्रक है, मात्रक मतलब कई नाम है इसके, मात्रक सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश और यूनिट वेक्टर। तो जो इसका मापांक है वो 1 हो जाएगा। तो जो भाषा दी थी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका मॉड यहाँ पे 1 हो गया। अब आ रहे हैं कि आपको क्या दिया है, आपको वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए की दी है वैल्यू 8। देखिए यहाँ पे वर्गांतर लग रहा है, वेक्टर एक्स का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर 8। पिछले वीडियो में बताया गया था जब किसी वेक्टर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो हम लोग उसके मॉड पर भी स्क्वायर लगा देते हैं। स्क्वायर लगा है तो मॉड लगा सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मॉड एक्स का स्क्वायर। और ये देखिए मॉड ए है, मॉड ए की वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर ये आ गया 8, ये आ गया मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर ये 8, ये माइनस 1 इधर आ जाएगा तो प्लस 1, ये मिला के हो गया 9, तो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर हो गया 9, इसलिए मॉड ऑफ एक्स हो गया 3, 9 का वर्गमूल ले लिया। और आपसे यही पूछा था मॉड ऑफ एक्स का मान ज्ञात करें, यहाँ वर्गमूल लिया है, प्लस माइनस आएगा लेकिन माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि किसी भी वेक्टर की जो मॉड होता है वो हमेशा उसके पॉजिटिव वैल्यू को ही देता है। तो 2 नंबर का सवाल दिख रहा है, इसमें सिर्फ समाया है, इम्पॉर्टेंट था, तैयार करिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 3 आपके सामने 1 नंबर का है और ये एक आव्यूह का सवाल है, इसका मान ज्ञात करना है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 आव्यूह के बीच में प्लस लगा है, दोनों आव्यूह की जो कोटियां हैं वो समान हैं, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, 2 पंक्तियां 2 स्तंभ, जोड़ने में क्या बताया गया था, संगत अवयव को जोड़ देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम, दोनों आव्यूह से पहले कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आव्यूह में जब किसी राशि से मल्टीप्लाई होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस राशि का आव्यूह के प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब हम लोग इस वाले सेक्शन पे जब काम करेंगे तो देखिए क्या होगा, इस कॉस को उठाएंगे और ये सारे अवयव में गुणा कर देंगे, तो कॉस का मल्टीप्लाई सारे अवयव में करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया मल्टीप्लाई, ये प्लस लगा है। ऐसे ही देखिए हम लोग आ रहे हैं अगले वाले आव्यू में, यहाँ भी बाहर मल्टीप्लाई करना है साइन थीटा से, तो साइन थीटा का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
अब ये दिख रहे हैं दोनों अवयव आपस में जुड़ने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनके संगत अवयव को जोड़ देंगे, पहले में पहला जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैथ में स्पीड तभी आती है कि जैसे कलम चलता जाए आपके दिमाग में फार्मूले भी आते जाएं। जैसे ही हमने इनको जोड़ के यहाँ लिखा, तुरंत दिमाग स्ट्राइक किया कि ये वन हो रहा है, यानी अगला स्टेप तैयार है कि यहाँ पे हम इसको वन लिख देंगे। अब हम इस वाले में ये वाले को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम इस वाले में इसको जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब चौथे में जोड़ देंगे चौथा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप देखिए ये क्या बन गया है, ये वाली जो वैल्यू है ये वन बन गई, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया जीरो, ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया जीरो, और ये यहाँ पे आके फिर बन गया। आपसे कहा था इसका मान बताइए, तो इसका मान यही आ गया। यहाँ भी आप अपना आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर आप ध्यान दें आगे बताना चाहें एग्जामिनर को, तो देखिए ये एक वर्ग अवयव है 2x2 का, और जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 होते हैं बाकी 0 होते हैं, उसे कहते हैं इकाई अवयव। तो ये एक इकाई अवयव है जिसको हम लोग आई से लिखते हैं, तो इस अवयव को आई से रिप्रेजेंट कर दिया गया। और कोटि बतानी है तो हम लोग इसको आई यहाँ पे 2x2 भी लिख सकते हैं, तो ये भी जवाब अपने आप में सही है। ये 2x2 लिखना आवश्यक नहीं होता है, क्योंकि इकाई अवयव होता है, तो इकाई अवयव तभी होगा जब मेरा अवयव वर्गाकार होगा, इसलिए हम लोग इसको केवल I2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आंसर लिख दीजिएगा, उसके बाद अगर आपको सब क्लियर है तो ये भी आप लिख सकते हैं। देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन भी आपके सामने एक नंबर का आ रहा है। ये एक अवकल समीकरण है, आपको एक फंक्शन दिया है और आपसे लिखा है कि इसका अवकल समीकरण ज्ञात करें जहां ए और बी अचर हैं। तो देखिए लिखा है वाई बराबर ए ई की पावर एक्स प्लस बी, ये समीकरण ए। अवकल समीकरण में कैसे बनता है हम बताते हैं आपको। देखिए जब हम किसी फलन का बनाते हैं अवकल समीकरण, तो किन बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो मुझे उसका अवकल करना होता है, अवकलन करना होता है। अब बात आ रही है कितनी बार करना होता है, तो आप देखेंगे समीकरण में अचर कितने हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर अचर ए और बी है, चूंकि ये दो अचर हैं इसलिए हम लोग इसका अवकलन कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। और सबसे खास बात, जब अंत में हम लोगों का अवकल समीकरण निकल आए तो उसमें आपको ध्यान रखना है जो अचर पद होते हैं वो नहीं होने चाहिए। इसका मतलब है मेरे आंसर में ए और बी जो है वो नहीं होने चाहिए। और कितनी बार करेंगे, दो बार करेंगे। तो हम लोग इसका पहली बार चल रहे हैं करने अवकलन, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ए का रहेगा ए, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा और बी का जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए e की पावर x। ये हमने पहली बार कर दिया इसका अवकलन इक्वेशन 2। चूंकि मुझे दो बार करना है, आप देख रहे हैं b तो गायब हो चुका है और अब मुझे a भी गायब करना है, तो देखते हैं दोबारा करने पे क्या होता है। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ए कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। ये दोबारा भी अवकलन हो गया, a गायब नहीं हुआ, b हो चुका है। तो मेरा अवकल समीकरण का आंसर अभी कहां पर है, नहीं बना है, क्योंकि अचर नहीं होने चाहिए। अब हम इन समीकरणों को आपस में भिड़ाएंगे, ये दिख रहा है जो वैल्यू है वही दिख रही है ये वैल्यू है, तो चूंकि दोनों वैल्यू सेम है इसलिए समीकरण 3 और समीकरण 2 दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जो है वो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। इसका मतलब यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इधर ले आ रहे हैं, आवश्यक नहीं था, आप वहां भी छोड़ सकते थे, इक्वल टू जीरो। ये मेरा इससे संबंधित अवकल समीकरण प्राप्त हो चुका है। एक नंबर का सवाल देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। सवाल नंबर 5 आपके सामने 5 अंक का है, वेक्टर का है। अगर जो कहा गया है इसका फार्मूला आपको पता है तो ये सवाल बहुत आसान है। देखिए बताते हैं क्या क्या है। अगर आपके पास दो वेक्टर ए व बी हैं, ठीक,
और अगर आपसे पूछा गया है कि ए व बी पर निकालिए लंब सदिश, सिर्फ कहा है लंब सदिश, तो लंब सदिश जो है वो सिर्फ होता है ए क्रॉस बी। और अगर आपसे कहा गया लंब इकाई सदिश, तो जब कहा जाता है लंब इकाई सदिश, तो मुझे इस वेक्टर को इसके मॉड से भाग कर देना होता है। और फिर आपसे कहा गया है उनके बीच का कोण साइन। अब यहां पे ध्यान देना है, हम लोग कोण के लिए कॉस का फार्मूला नहीं लगाएंगे जो पिछले में लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी इसके ऊपर आपसे क्रॉस निकलवा चुके हैं। इसलिए यहां पर जो साइन थीटा का सूत्र होता है वो होता है ए क्रॉस बी का मॉड अपॉन मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। ये ज्या का फॉर्मूला है। तो अगर इतना आपको पता है तो हम लोग आराम से इस पे काम कर सकते हैं। पहले कहा है लंब इकाई सदिश ज्ञात करिए, यानी कि ये निकालना है। उससे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालें, तो देखिए यहाँ पर हम लोग निकालने जा रहे हैं ए क्रॉस बी, और आपको पता है ये सारणिक से निकलता है, तो ये हो जाएगा आई, ये जे और ये के। तो यहाँ हो जाएगा 2 -1 1, और ये हो जाएगा 3 -4 -1। ये सारणिक को हम लोगों ने हल कर लिया है, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है -3i+5j+11k। अब हमें इसका मॉड भी निकाल लेना है, तो इसका मॉड निकालेंगे ए क्रॉस बी का मॉड। तो देखिए इसका मॉड क्या हो जाएगा, -3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 और 11 का वर्ग 121। इनको जोड़ लिया, आ गया √155। तो देखिए जो कहा गया था लंब इकाई सदिश, इसके सूत्र में जो चाहिए था वो हम लोगों ने निकाल दिया है। क्या चाहिए था इसके फार्मूले में, ए क्रॉस बी, देखिए फार्मूला लिखा था ये, अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी रख दें, ऊपर कितना है 3i+5j+11k अपॉन √155। तो पहला सेक्शन निकल चुका है कि दिए गए दोनों वेक्टर पर लंब इकाई सदिश ये है। अब पूछा है इनके बीच का कोण यानी साइन निकालना है, हमें ये निकालना है। देखिए ए क्रॉस बी का मॉड तो हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, अब हम लोग निकालें मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो देखिए मॉड ऑफ ए चल रहे हैं निकाल लें, ए आपके सामने है ऊपर दिख रहा है यहाँ पर, इसका मॉड निकालें 2 का वर्ग 4 -1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, 4 × 1 = 5 और 1 ये हो गया √6। फिर हम निकाल लें रूट बी, मॉड बी निकाल लें। देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और -1 का वर्ग 1, 25 और 1 कितना आ गया √26। इसलिए यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा ऊपर ए क्रॉस बी का मॉड और नीचे मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। तो ऊपर आ चुका है 155 और नीचे है √6 और ये है √26। चूंकि सारा कुछ रूट में है इसलिए हम लोग पूरा एक रूट लगा देंगे, और ये हो जाएगा 155 और ये 6 × 26, कुछ कटेगा है नहीं। तो ओवरऑल हम लोग इसको ऐसे ही लिखेंगे 155 और नीचे 26 का 6 से गुणा कर देंगे, 6 × 36 का 6, कैरी आया 3, चौदूनी 12, 12 × 3 = 15। तो 155 बटे 156 रूट में, यही इनके बीच के कोण की साइन थी। तो ये 5 सवाल इस वीडियो में कवर करे, बेहतरीन थे, अभ्यास करिएगा और आगे भी भाग को देखते रहिएगा। हम लोग और बहुत बेहतरीन सवालों को कवर करेंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग।